इस धर्म संसद का विशेष जो उद्देश्य था, पूरे धरती से जो मुस्लिम जिहाद के नाम पर आतंकवाद फैलाया जा रहा है उसको समाप्त करने के का एक संकल्प का विशेष रूप से था, और उसकी योजना थी कि पूरे विश्व में मानवता की स्थापना करने के लिए और शांति की स्थापना के लिए बहुत आवश्यक है कि जो मुस्लिम आतंकवाद फैल रहा है, जिहाद फैल रहा है, इस पर लगाम लगाई जाए, इसको रोका जाए, इसको समाप्त किया जाए। खून बहता है मुसलमान का, 50 साल से ज्यादा हो गए हैं कि फिलिस्तीन में मुसलमानों का खून बह रहा है। कितने साल हो चुके हैं, 30 साल के करीब होने को आए कि कश्मीर में खून बह रहा है। रोजाना आपके अखबार में लिखा होता है, आज 8 और शहीद हो गए, आज 15 और शहीद हो गए, आज 10 और शहीद हो गए। ये टीवी पर भी आप देखते, बनादिर भी देखते। अब फिर खून अगर गिरा है बोस्निया में तो मुसलमान का, कोसोवो में तो मुसलमान का, चेचनिया में तो मुसलमान का, सोमालिया में गिरा तो मुसलमान का, फिलिपाइन में गिर रहा है तो मुसलमानों का, अब थाईलैंड में भी शुरू हो गया तो मुसलमानों का। जहां देखो वो जो कभी कहा था किसी ने, हो गया मानिंदे आप अर्जा मुसलमान का लहू, बाजी की तरह ये सस्ता हो गया मुसलमान का लहू, सारी दुनिया में मुसलमानों का खून बह रहा है। और कम हिम्मती का आलम यह है, बुजदिली का आलम यह है कि हम ये कहकर खड़े होकर कह नहीं सकते कि इनफ इज इनफ, तुमने जो कुछ हमारे साथ किया है अब हमारे मैदान में हम मुकाबला करेंगे। इस तरह बकरियों की तरह, भेड़ों की तरह मारे नहीं खाए, है किसी मुल्क को ये ताकत है ये कहते।